इस देश में संविधान नहीं मान रहे हैं, जो भी बात में आप देख रहे हैं, इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। आप भिवंडी में देखो, आज खुलेआम ये लोग हमारे मुस्लिम भाई बहनों को या हमारे हिंदुओं को भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ काम करोगे तो पुलिस केस दर्ज करेंगे, आपको देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ऐसे खुलेआम धमकी ये लोग दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर के कल्याण रोड पर लकड़ा बाजार में इरशाद खान ग्रुप द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हर साल इस तरह की इफ्तार पार्टी यहाँ इरशाद खान ग्रुप द्वारा की जाती है। बहरहाल इस इफ्तार पार्टी की विशेषता रही महाविकास आघाड़ी के घोषित उम्मीदवार महात्रे उर्फ बालिया मामा यहाँ अपनी टीम के साथ पहुँचे, ये इसमें खास बात है। बहरहाल बालिया मामा ने क्या कहा आगे आप सुनेंगे वीडियो में। भिवंडी शहर के जो दर्शक हैं हमारे या भिवंडी शहर की जनता, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भिवंडी शहर में 3 उम्मीदवार अब तक फाइनल हो चुके हैं लोकसभा 23 के। नंबर 1 कपिल मोरेश्वर पाटिल भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार उम्मीदवार रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी आधी शिवसेना आधी कपिल मोरेश्वर पाटिल के समर्थन में खड़ी है। दूसरे उम्मीदवार हैं भिवंडी लोकसभा 23 के सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा, मशहूर नाम है भिवंडी शहर का, ग्रामीण क्षेत्र का। इनके साथ ताकत कितनी है? महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी मतलब आधी शिवसेना आधी राष्ट्रवादी और पूरी कांग्रेस पार्टी, साथ ही कुछ और पार्टियों का समर्थन। तीसरे बहुचर्चित उम्मीदवार हैं जिनकी आज भिवंडी शहर के उनके मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नाम है नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे का नाम चर्चे में था, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जिसने हमसे वादा किया था टिकट देने का, उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने बालिया मामा का समर्थन किया है। इसलिए मैं जिजाऊ विकास पार्टी के बैनर तले खुद और पालघर लोकसभा से एक उम्मीदवार, उन्होंने उम्मीद जताई है कि हमारे 5 उम्मीदवार मैदान में होंगे। बहरहाल नीलेश सांबरे का जो काम है भिवंडी शहर में भी है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। तो ये 3 उम्मीदवार हम अपने दर्शकों के सामने उनका नाम बता चुके हैं और हम दर्शकों से चाहेंगे कि आप अपनी राय दीजिए कमेंट करके। बहरहाल आज 10 अप्रैल 2024 है और 11 अप्रैल को भिवंडी शहर में हमारे देश में ईद भी मनाई जाएगी। और अब आइए सुनते हैं सुरेश महात्रे और बाले मामा ने क्या कहा अवतार पार्टी के बारे में, साथ ही चुनावी संग्राम के बारे में भी। मैं खान फख्र आलम। देखो, सबसे पहले आज यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेंबर इंसान भाई की तरफ से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है लकड़ा मार्केट की ओर से। ये कहीं भी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आपको भी मालूम है रमजान के इस पवित्र महीने में ऐसे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है ताकि सभी हमारे भिवंडी के सभी भाई एक साथ मिल के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। और इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ एक साथ है। आज अभी तो एक तो रमजान का पवित्र महीना चालू है और आज दूसरा एक गुड़ी पाड़वा करके एक हिंदू नववर्ष, मतलब नए साल की शुरुआत आज हो रही है। मतलब दोनों ही अच्छा दुग्ध शर्करा योग आज यहाँ पे है और इसी माध्यम से मैं हमारे 2 ही दिन में ईद भी होने वाली है। मैं हमारे सभी मुस्लिम भाई बहनों को दिल से बधाई देता हूँ कि आने वाली जो ईद का त्यौहार है, यह आप सभी को सभी के जीवन में आनंद और उत्साह लाए। जो भी आपकी मनोकामना हो वो
अल्लाह ताला पूरी करे। यही आज के दिन मैं सभी को एक शुभेच्छा देता हूँ, और खास करके आज तीसरा जो महाविकास आघाड़ी का 48 सीट के ऊपर जो महाविकास आघाड़ी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें झुंडी महाविकास आघाड़ी की ओर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ये पार्टी को ये सीट मिली है। इसके लिए खास करके महाविकास आघाड़ी के सभी घटक पक्ष, सभी पक्ष के नेताओं सभी का फिर से एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बाजू से आई है। मामा, एक सवाल, जिस तरह से मन तो राजनीतिक नहीं है, लेकिन हमारा एक सवाल रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि आज आपका पूरी तरह से हरी झंडी दी है, ऐसे में कांग्रेस के जो कई नगर सेवक हैं और कई पदाधिकारी जो आपसे नाराजगी बनाए हुए हैं, आपके सीट को लेकर उनको सुलझाने के लिए, उनको मनाने के लिए किस तरह का प्रयास? नहीं देखो, ये अभी तक आज के दिन तक ये सब संभ्रम था, मतलब लास्ट मोमेंट तक कांग्रेस वाले भी कोशिश कर रहे थे, पर आज जब सब क्लियर हुआ है तो अभी सभी की एक जिम्मेदारी बनती है कि महाविकास आघाड़ी में एक हो के, क्योंकि अपने को एक किसी शक्ति को जो आप देख रहे हैं इस देश में संविधान नहीं मान रहे हैं, जो भी बात में आप देख रहे हैं इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, आप भिवंडी में देखो आज खुलेआम ये लोग हमारे मुस्लिम भाई बहनों को या हमारे हिंदुओं को भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ काम करोगे तो पुलिस केस दर्ज करेंगे, आपको देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसे खुलेआम धमकी ये लोग दे रहे हैं, तो कहीं पे इसके खिलाफ सभी को एक होना जरूरी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक हो जाएंगे और आने वाले एक दो दिन में ये सभी पूरा मसला आपको सॉल्व दिखेगा। जिस तरह से मामा आपने कहा कि मैटर को सॉल्व दिखेगा, लेकिन वहीं पर जिताऊ संगठन के संस्थापक अध्यक्ष जी आपसे उम्मीदवारी घोषित कर दी है, क्या टक्कर की लड़ाई रहेगी, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, उनसे अभी मेरा बात नहीं हो पाया है, मैं उनसे कल बात करूंगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम लोग के 2 से 3 बार बात हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि वो अपक्ष नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आपको ही मालूम है अपक्ष लड़ना मतलब बीजेपी को वोट देना, बीजेपी को मदद करना, ये अपक्ष लड़ना मतलब उसका मतलब वो होता है, तो इसके लिए मैं उनसे मिलकर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अभी अपने को सभी को मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाना है, एक देश को नया सक्षम सरकार देना है, ये जो भी मसले हो रहे हैं ये सब हल करने के लिए इसका एक ही पर्याय है, इंडिया महाविकास आघाड़ी गठबंधन, और इसके लिए हम सभी मिलके करेंगे। देखो, मैं उनसे बात करूंगा, मुझे उम्मीद है वो नहीं करेंगे। जिजाऊ को ही बात कर रहा हूँ, जिजाऊ की ही कांग्रेस पार्टी के जो क्या दयानंद चौधरी जी, उन्होंने कहा है नहीं, देखो ये अभी जो 2-3 दिन पहले की बात थी, कल की बात थी, पर आज मुझे पूरा यकीन है, मैं आपको बोला कि भाई 2 दिन में ये सब मैटर सॉल्व करेंगे, दयानंद चौधरी भी मेरा घर का है, मेरा छोटा भाई है, देखो सभी को लोकतंत्र है, लोकशाही है, सभी को टिकट मांगने का हक है, सभी को कोशिश करनी भी जरूरी है, अभी एक हद तक कोशिश हुआ, पर अभी जो महाविकास आघाड़ी का डिसीजन हुआ उसका सम्मान सबको करना चाहिए, ये मेरा मानना है।
हमारे वकील साहब बैठ रहे हैं और चलते चलते चुनाव के बारे में जानकारियां। फार्म भरने की तारीख शुरू होगी 26 अप्रैल 2024 से, आखिरी तारीख होगी 3 मई। भरे गए फॉर्म की जांच होगी 4 मई 2024 को और नाम वापसी होगी 6 मई 2024 को। और मतदान यानी जब आप वोट देने जाएंगे वो तारीख होगी 20 मई 2024 और आप द्वारा दिए गए वोटों की जो गिनती है वो 4 जून 2024 को होगी। बहरहाल किसी भी उम्मीदवार को चुनिए, सही उम्मीदवार को चुनिए, हम आपसे यही अपील करते हैं। वैसे तो भिवंडी शहर में आम तौर से कहा जाता है कि बहुत मंदी है, मगर इस एटीएम को देखकर लगता नहीं कि भिवंडी शहर में मंदी है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में पैसा निकालने के बाद जो स्लिप मिलती है वो यहाँ पड़ी हुई है। ये और बात है कि मौलाना साहब को चंदा देने में बड़ी आनाकानी की जाती है। नाम परफेक्ट तो आपकी कार भी परफेक्ट। कार का कोई भी काम, एसी कार या इलेक्ट्रिक का कोई भी काम, आप ज़रूर एक बार पहुँचें परफेक्ट काम परफेक्ट शॉप, भिवंडी शहर का चाविंद्रा क्षेत्र, नासिक रोड, भिवंडी, जिला ठाणे।